नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जैसे कोई व्यक्ति चर्चा में रहा है किन्हीं कारणों से, जैसे कि कहीं उसको नई नियुक्ति मिली है, या त्याग पत्र दिया है, या कहीं मनोनीत किया गया है, या फिर उसका निधन हो गया है, या कुछ और विशेष कार्य किया है। ठीक है, तो इस टॉपिक से समझिए परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। 2 लेक्चर में ये हम खत्म करेंगे। पहले में राष्ट्रीय स्तर के जो चर्चित व्यक्ति हैं और दूसरे वाले में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चर्चित व्यक्ति हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इस समय जो मैगजीन्स मार्केट में आई हुई हैं आप देखेंगे उसमें भरमार है, मतलब कि 100-100, 200-200 व्यक्तियों के नाम दिए हैं। इतना सब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं मुश्किल से इसमें आपको जो है 15-17 नाम दूंगा और 12-15 मतलब कुल मिला के 25 से 30 नाम आपको ऐसे दूंगा जो आपको पढ़ने हैं वास्तव में। 30 से ज्यादा नहीं होंगे, लगभग 30 या 35, मान लो 30-35 नाम होंगे। इतना ही आपको पढ़ना, उसी में से आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, करंट पढ़ने का मतलब यह है ना कि आप किन चीजों को पढ़ रहे हैं, किनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप मार्केट में आप आई हुई है दृष्टि देख लीजिए, काफी मोटी किताब है। अब इस पूरी किताब को पढ़ पाना संभव नहीं है, और संभव है भी तो फिर याद रख पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो उसमें से पिक चूज वाली स्थिति होगी कि हम किसको जो है पिक करें, किसको चूज करें, क्या हमारे लिए जरूरी है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं और अभी तक परीक्षा में पूछी गई, जिनका रिकॉर्ड रहा कि नहीं यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए और समझिए। हो सके तो इसका नोट्स बनाते जाइए साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। अपना हैंडराइटिंग में नोट्स रहेगा तो बहुत आसानी रहेगी रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर समय बहुत कम बचता है, रिवीजन के लिए समय नहीं बचता है। तो ऐसा कुछ नोट्स बनाए टू द पॉइंट, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर फटाफट उसकी हम जल्दी से जल्दी कई बार रिवीजन कर लें। क्या है ना कि कभी कभी आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो है लेकिन रिवीजन नहीं की है। रिवीजन के अभाव में हमारा आता हुआ प्रश्न अंत में आकर के 2 विकल्पों के बीच में हम उलझ जाएंगे और क्या होगा, गलत पे टिक लगा के आएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि ऐसी असमंजस की स्थिति आपके सामने उत्पन्न ना हो कि मतलब वही 50-50 वाला आपको गेम खेलना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, करंट आपको वादा, यकीन मानिए कि हम आपसे वादा करते हैं एग्जाम तक आपका पूरा करंट हम कराएंगे। 2023 में पिछले 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और 2024 में जनवरी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका हम पूरा करंट कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। ठीक है, साथ ही अगर आपको पूरा करंट अफेयर्स का नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, पूरा डिटेल्ड मतलब पूरे साल भर का, तो आपको क्या करना है, डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन है, ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां पर पूरा विस्तृत पूरा करंट की पीडीएफ, 12 महीने की पीडीएफ आपको जनवरी से लेकर के अब तक की सब कुछ मिल जाएगी। यहां पर आपको जाकर के वहां से ज्वाइन कर लेना है करंट अफेयर्स। ठीक है, साथ ही आरओ के लिए, पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो भी आपको लगे कि हमें ये करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डीपी एडुकेयर के नाम से है। चलिए पहला नाम देखते हैं, कौन है चर्चित, कौन चर्चा में रहा है। नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन ये मुंबई की है, पहले तो समझिए मुंबई की है काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं, सबसे कम उम्र की। कितने साल की हैं, 16 साल 9 महीने की हैं मात्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी 17 साल की भी नहीं, वोट नहीं बना इनका, बालिग नहीं है जान लीजिए, अभी नाबालिग है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर लिया है कि क्या बन गया है, एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। क्या बना, विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, अपने पिता एस कार्तिकेयन, ये नौसेना में अधिकारी हैं, के साथ इन्होंने चढ़ाई की है, कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, जरा भैया बताइएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है,
माउंट एवरेस्ट। अगर आपको ऊंचाई पता है तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है विश्व की सबसे ऊंची, उसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर में बताइएगा, फीट में बताइए, मीटर में बताइए। ठीक, काम्या ने 7 महाद्वीपों में से 6 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक, जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं, 6 पर वो चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 16 साल 9 महीने की उम्र में जो रिकॉर्ड कायम किया है, इससे पहले जो रिकॉर्ड था, नोएडा के निवासी थे अर्जुन वाजपेयी जी, इन्होंने 17 साल 345 दिन के ये जब ये थे तब इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन काम्या ने क्या किया, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि इससे भी कम उम्र में, सिर्फ 16 साल 9 महीने की उम्र में जो इन्होंने काम किया, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो अब जो है काम्या वो काम कर चुकी है, अब ये रिकॉर्ड काम्या के नाम आ चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नाम है सत्यदीप गुप्ता, ये भी उसी से संबंधित है, भारतीय पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से, ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, माउंट लेहोत्से, सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जरा कमेंट करके बताएं दूसरी और तीसरी कौन सी है। ठीक है, चौथी तो माउंट लेहोत्से है, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन सी है, पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बन गए। ठीक है, कैसे एक ही सत्र में, उन्होंने 21 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर और इसके दक्षिण में स्थित है माउंट लोत्से पर 22 मई को चढ़ाई की है। ठीक है, तो एक ही सत्र में, यानी कि एक दिन इस पे की है, क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर, और फिर जो है इसके दक्षिण में जो माउंट, जैसे मान लो ये आपका एवरेस्ट है। ठीक है, अब जो है ये तो इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो यहां पर कौन सी है, लेहोत्से है। ठीक है, तो यहां पर ये जैसे इन्होंने यहां पर रिकॉर्ड किया तो यहां पर चल दी यहां पर। ठीक है, तो ये लगभग मतलब 11 घंटे 15 मिनट शायद टाइम है, यानी कि मतलब पैरेलल एक जो है एक घाटी है, घाटी जाती है माउंट एवरेस्ट से माउंट लेहोत्से के लिए, तो वहां उन्होंने इसी घाटी मतलब जो है घाटी कह लीजिए मतलब या एक जो वो पर्वतीय रास्ता है जो माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से को जोड़ता है, तो यहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया, तो ये दूरी लगभग 11 घंटे में पड़ रहा था, 11 घंटे 15 मिनट शायद है, तो जो है मतलब उसी दिन जो है इन्होंने ये एक ही सत्र में दोनों को ज्वाइन कर लिया था। बस नाम आपको याद रखना है, अगर ऐसा पूछा जाए कि एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले कौन थे, सत्यदीप गुप्ता जी थे। ठीक है, चलिए एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे, कोई भी एकदम से झोल झाल नहीं, एकदम जो चीज वास्तव में पूछी जाएगी, अब बनाने के समय हम 4 पॉइंट और बनाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी है। ठीक है, और अब दिमाग को खर्च करना कोई मतलब नहीं है, पूछा उतना ही जाएगा जो वास्तव में करंट से रिलेटेड चीजें हैं। अब आपको बताएं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बताना शुरू कर दें, माउंट लेहोत्से, और ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ही ना, तो उसमें क्या बताना, वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगला नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ, 32 वर्षीय पर्वतारोही ने मई 2024 में एक ही सीजन में 13 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई की। लो, एक और रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ, 13 दिनों के अंदर 3 बार चढ़ाई की, वो भी सफल चढ़ाई, मतलब जाके चोटी पर झंडा फहराया, तिरंगा ऐसे लहरा दिया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। ठीक है, 3 बार एक रिकॉर्ड बन गया, ऐसा करने वाली और विश्व की तीसरी पर्वतारोही, विश्व की तीसरी पर्वतारोही बन गई है कौन, पूर्णिमा श्रेष्ठ। चलिए भाई और देखते, कोई रिकॉर्ड है क्या, लो एक और रिकॉर्ड बन गया, ज्योति रात्रे, नाम याद रखें, ज्योति रात्रे, उन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज, लो सबसे उम्रदराज महिला बन गई है ये, सबसे अधिक आयु में, कितने साल में, 55 साल में, लो 55 साल में चढ़ाई की है, कहां रहने वाली है, भोपाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, भोपाल है। ठीक है, वहां की रहने वाली हूँ, उन्होंने सफलता दूसरी बार में प्राप्त की, 2023 में भी इन्होंने चढ़ने का प्रयास किया था लेकिन ये सफल नहीं हो पाई थी,
तो इस बार इन्होंने जो है ये किया है। इससे पूर्व रिकॉर्ड संगीता बहल के नाम था, 53 साल में चढ़ाई की थी, 53 ईयर्स में, लेकिन ये 55 साल में। कौन? ज्योति रात्रे, भोपाल मध्य प्रदेश निवासी, सबसे आयु की महिला बन गई है एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाले। कामी रीता शेरपा, आज लग रहा है जो है सारा लेक्चर इसी पर डिपेंड है, पर्वतारोही, ये नेपाली पर्वतारोही है, 30वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। भैया वही घर बनवा लेते, चढ़ाई करने की क्या जरूरत थी, वहीं पर एक छोटा सा आवास बना लो, रहने लोगों बहुत शौक है। खैर एक अच्छी बात भी है, एक्चुअली में क्या है ना कि ये गाइड है, ठीक है, जो लोग चढ़ते हैं तो उनको ही गाइड करते हैं, इस वजह से चूंकि गाइड है तो भाई अब इसकी चढ़ाई कर, जिस पर जो उसको चढ़ाई करवाना होगा तो उसके साथ तो जाना ही जाना गाइड को, ठीक है, तो ये गाइड है एक तरह से, तो लोगों के साथ ही जाते हैं। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहे। कामी रीता शेरपा वर्ष 2023 में इन्होंने दो बार चढ़ाई की है, 1994 में इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी, ठीक, 1994 में पहली बार ये गए थे एवरेस्ट पर, पिछले साल दो बार की है, और कुल मिलाकर के ये 30वीं बार एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने में इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखते हैं, रुचिरा कंबोज, चलिए खैर चढ़ाई वाला मतलब ये नेपाल वाला सिस्टम खत्म हुआ, ठीक है, पर्वतारोही वाला। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यरत भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई, ठीक है, यूएनओ में ये भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन अब ये रिटायर हो गई हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 2022 से लेकर के 31 मई 2000 तक इन्होंने कार्य किया है, कब तक, लगभग दो वर्ष मान के चलिए। इससे पूर्व यूनेस्को में भी भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है, तो चूंकि मामला इंटरनेशनल है, यूएनओ का मामला है, ठीक है, तो इसलिए रुचिरा कंबोज जी का नाम आ गया, याद रखिएगा, रिटायर हो गई है ये। अगला नाम है करीना कपूर खान जी का, क्या किया इन्होंने भाई, यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है, क्यों किया है ये भी देख लेते हैं। इस भूमिका में वह प्रत्येक बच्चे के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के आधार को आगे बढ़ाने में समर्थन करेंगे, यानी कि बेसिकली जो यूनिसेफ का जो बच्चों वाला, चिल्ड्रन वाला जो सेगमेंट है, पोर्शन है, उसकी ये बनाई गई है, तो जो भी बच्चे उनका बचपन का विकास कैसे हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी जरूरी चीजें हैं, लैंगिक समानता है, ठीक है, तो इन सबको आगे बढ़ाने में ये अपना योगदान देंगी, कार्य करेंगी। करीना कपूर 2014 से यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं, इससे पहले वह सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी एडवोकेट, यानी कि ये 2014 से जुड़ गई थी यूनिसेफ से, तब से ये है, बीच में कुछ समय के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट भी रही हैं, अब जो है इनको राष्ट्रीय राजदूत नामित कर दिया गया है यूनिसेफ इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं, इदा शिशा नोंगरांग, नाम भी बड़ा अजीब है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, कौन, नोंगरांग, और यह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की भी, अगर पूर्वोत्तर की हम बात करें तो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहां पूर्वोत्तर की भी अगर बात करें तो पूर्वोत्तर की भी ये पहली महिला डीजीपी है, मेघालय की भी है और पूर्वोत्तर की भी, मतलब कि पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं अभी तक किसी भी महिला को डीजीपी नहीं बनाया गया है, ये पहली महिला है। 2021 से वह कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है, अब इनको परमानेंट कर दिया गया है, अभी तक कैसी थी, कार्यवाहक थी। न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, एम खानविलकर का नाम आपने सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ये लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, पहले कौन थे,
पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, आपने नाम सुना होगा पीसी घोष, शॉर्ट में कहते थे पिनाकी चंद्र घोष, ये लोकपाल के, जब लोकपाल का ओम्बुड्समैन का गठन हुआ था तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, अब ये हटा दिए गए हैं, उनके स्थान पर कौन बने हैं, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, इनको बनाया गया है। अगला नाम है अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, आपको पता है ये, जब नीति आयोग बना हुआ था, बनाया गया था, ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर, पता है कोई योजना आयोग पहले हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, उसको समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है, तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए थे, ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन अब इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और 16वें वित्त आयोग से कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर दे, ठीक है, तो 16वां वित्त आयोग बन गया है, 31 अक्टूबर 2025 तक इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। अगले हैं न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये देखिए, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इनका पूरा नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी, केरल में इनका जन्म हुआ था, पूरा नाम क्या था, मीरा साहिब फातिमा बीबी, जैसे मीरा साहिब इनके फादर का नाम था, ठीक है, 1989 से लेकर के 1992 तक ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही हैं। ये देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी रही हैं, और वो राज था केरल, यानी कि ये ऐसी पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी जो पूरे भारत में किसी भी हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी थी, यानी कि इनसे पहले कोई भी मुस्लिम महिला किसी भी हाई कोर्ट की जज नहीं बनी थी, ये पहली थी, और वो राज्य था आपका केरल, ठीक है, चूंकि केरल की हैं, पहले जो है वही इन्होंने केरल का एग्जाम पास किया होगा जुडिशी वाला, ठीक है, जिला न्यायालय में नहीं, फिर जो है ये उनका जो है प्रमोशन होते गया, इस तरह जो है केरल हाईकोर्ट में इनको पहली महिला न्यायाधीश बनाया गया था, फिर बाद में जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में भी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, ठीक है, वहां तो मुस्लिम छोड़ दी, ये पहली महिला ही थी हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म की, तो जो है इनका निधन हो गया है, चर्चा में क्यों है जान लीजिए, इनका निधन हो गया है फिलहाल, है ना। नेक्स्ट अल्बर्ट एस रूडी, कनाडाई अमेरिकी फिल्म और टीवी निर्माता, दो इनके पास नागरिकता है, कनाडा की भी अमेरिका की, 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, द गॉड फादर और मिलियन डॉलर बेबी, द गॉड फादर और मिलियन डॉलर बेबी के लिए इनको ऑस्कर मिल चुका है, ये पॉइंट कहां से तो गलती है, ये तो पिछले वाले का कॉपी पेस्ट हो गया है, इसको मत मानिएगा यहां पर, ठीक है, द गॉड फादर और मिलियन डॉलर बेबी के लिए इनको ऑस्कर मिला है। नेक्स्ट लास्ट हो गया, अच्छा ये जो कुछ मैंने और ऐड किए थे दो तीन पॉइंट, तो वो अगले वाले वीडियो हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है, तो ये यहीं तक था आज का लेक्चर, और करीब 12 या 15 नाम ऐसे कुछ होंगे, कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण होंगे, मतलब कुल मिलाकर के 20 नाम और ऐसे होंगे चर्चित व्यक्तियों में जो आपको हमें देने हैं, और इतने में ही आपका आ जाना है, इससे बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, यकीन करिए, भरोसा करिए, करंट आपको हम ऐसा तैयार करवा देंगे आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे 20 क्वेश्चन आए, 25, 30 कितने भी क्वेश्चन आ जाए, करंट आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।